राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हूँ आप सभी बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह का समय हो रहा है, आज है शनिवार और आज है दिन 8 तारीख। और यहाँ मैं ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं दिन के अकॉर्डिंग कैसे मैं अपना सुबह की पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैंने आचमनी में थोड़ा सा पानी लिया, मतलब आचमनी लिया है, और उससे मैं फूल से ही मैं भगवान को ना बस भाव स्नान के भाव से छींटा लगा कर और अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लूँगी। आज शनिवार है तो दिन के अकॉर्डिंग ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को मतलब स्नान करने के लिए उनको बैठा दूँगी एक प्लेट में। तो इनके कपड़े, इनके वस्त्र सब मैंने निकाल दिया है और इनको बैठा दिया है, और इनको अच्छी तरह से मैं स्नान करवा के इनको कपड़े मैं धारण करवा दूँगी। दिन के अकॉर्डिंग भी मैं इनको कपड़े पहनाती भी हूँ। तो आज शनिवार है तो नीला कलर का आज मैंने ड्रेस इनके लिए निकाल रखा है। तो बस यही है, तो इनको मैं पहले स्नान करवा के इनको पहले मैं रेडी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा के इनके सिंहासन पे अच्छी तरह से बैठा दिया है, और इनको अब मैं पुष्प मतलब गेंदे का जो माला बना रखा है हाथों से वो मैं पहना दूँगी इनको, और उसके बाद से इनका सेवा स्टार्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में ज़रूर हमें ना पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ मैंने थाली भी तैयार कर दिया है दीपक का, और धूपबत्ती है, थोड़ा सा अक्षत है और कुमकुम है, और एक लोटा जल है, इत्र है। बस यही है सिंपल साधन तरीके से। यहाँ मैंने जोत को प्रज्वलित कर दिया है, दिए को मतलब प्रज्वलित कर दिया है। अब बस अपना पूजा शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आज शनिवार है तो शुरू में ज़्यादातर गुड़ का मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इत्र भी अर्पित कर दिया है कान्हा जी को, और दिन के अकॉर्डिंग ही मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे बस ऐसे ही है, और सीधा मैं अब कुमकुम लगाऊंगी सभी देवी देवताओं को। सबसे पहले तो मैं दिया को लगा दूंगी। मैंने दिए को भी लगाया लेकिन सूट नहीं हो पाया। और यहाँ पे फिर गणेश जी को, लक्ष्मी माँ को, मतलब जितने भी मंदिर में विराजमान है ना देवी देवता, तो उन सबको मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों, हमें ना उतने ही भगवान जी को रखना चाहिए अपने मंदिर में जितना हम उनकी सेवा कर सकें। ये नहीं कि हम यहाँ से गए वहाँ से लेके आ गए, मतलब कहीं पे भी हम गए मंदिर तो वहाँ का फ़ोटो वगैरह लेके आ गए। बस कहीं पे भी जाएं हम ना, तो बस अपनी आँखों में बस भगवान को मतलब छवि अपनी आँखों में बसा लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा फ़ोटो प्रतिमा अच्छा भी नहीं लगता। और एक ही भगवान के तो दो दो तो होने भी नहीं चाहिए, दो हो सकते हैं, तीन तीन नहीं होने चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं मेरे मंदिर में सब एक एक ही देवी देवता हैं, बस गणेश जी हैं जो दो हैं, और ठाकुर जी का तो बात ही निराली है, वो तो हर रूप में है तो उनको तो विराजमान रखाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने रोली, चंदन ये सब मैंने अर्पित कर दिया है, फूल वगैरह भी अर्पित कर दिया है। और यहाँ मैं दिन का अकॉर्डिंग में पुस्तक भी पढ़ती हूँ, ये सातवें वार की कथा मतलब व्रत कथा है। तो हम व्रत तो मैं नहीं रखती लेकिन कथा मैं ज़रूर सुबह सुबह रोज़ दिन का अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं पुस्तक की भी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रहा शनिवार है तो गुड़ का भोग लगा रही हूँ, और एक लोटा जल मैंने रखा है बजरंग बली के पास, और एक लोटा बस ऐसे ही सिंपल रखा है भोले बाबा के लिए, और उनके लिए भी अलग से मैंने पर्स भोग रखा है। तो आज ना शनिवार है तो मैंने ऑरेंज कलर का सिंदूर रखा है। तो मैं हमेशा मैंने बजरंग बली को मैं अपना बड़े भाई मानी हूँ, तो मैं इनको बस ऑरेंज सिंदूर बस मैं लगाती हूँ। मैं ना जैसे चमेली का तेल होता है तेल चढ़ाना वाला, वो नहीं लगाती, मैं सिंपल सूखा वाला सिंदूर में ऑरेंज वाला लगा देती हूँ आज के दिन और मंगलवार के दिन। तो बस इसी तरह मेरी दिन के अकॉर्डिंग पूजा मैं अपनी करती हूँ। उसके बाद से मैं भोग इनको भोग लगा दूँगी घंटी बजा कर, और उसके बाद से मैं अपना कथा प्रारंभ करूँगी। तो आज शनिवार है तो शनिवार का व्रत का जो कथा होता है ना वो मैं पढ़ूँगी, और शाम का टाइम ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह मैं करती हूँ। तो दिन के अकॉर्डिंग ही मैं सब मतलब पाठ भी करती हूँ। तो यहाँ मैं अपना पाठ पूरा कर रही हूँ शनिवार का, और पाठ पूरा करने के बाद फिर मैं आरती कर दूँगी। आरती करने के बाद आचमनी कर दूँगी। तो यही है सिंपल साधारण तरीके के मेरी रोज़ की पूजा।
पूजा इसी तरह दिन के अकॉर्डिंग होती है। तो सुबह सुबह का मेरी पूजा जो होती है ना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद ही होती है, क्योंकि सबसे पहले मैं ना नहा धो के सूर्य भगवान को जल अर्पित ही करती हूँ। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, उसके बाद से ही मैं अपने ठाकुर जी का और सभी देवी देवता का मतलब सेवा करती हूँ। तो यहाँ मैंने मतलब आरती भी कर दिया है और आरती भी मैंने भगवान को दे दिया है। और हाँ, पूजा करने के बाद ना अपने आसन के नीचे ना थोड़ा सा पानी जरूर छोड़ना चाहिए, ताकि हमें पूजा का फल पूरा मिले। अगर आसन के नीचे हम पानी नहीं छोड़ते हैं एक दो बूंद, तो हमारा जो भी पूजा का जो फल होता है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। इसीलिए हमें आसन पर अपने बैठ के और पूजा करनी चाहिए, ऐसे धरती पर नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।